हेलो दोस्तों, हिंदी UI टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर है, चाहे पीछे चाहे आगे, तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। आज मैं आपको एंड्रॉयड फ़ोन के फिंगरप्रिंट सेंसर के एक ऐसे खुफिया राज के बारे में बताऊंगा जो आप में से कई सारे लोगों को नहीं पता है, और दोस्तों ये ट्रिक आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इसी तरह की वीडियोस अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक कमेंट कर देना है, नाइस ट्रिक। इतना काम करके दोस्तों ज़रूर से आप मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर इस तरह से इसे स्किप करना है, ओके पर क्लिक करना है और इस एप्लीकेशन को परमिशन दे देना है। ठीक है, तो यहाँ से हम परमिशन देते हैं और बैक आ जाते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको अपने मोबाइल का कैमरा सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपके फ़ोन पे इस तरह का एक आइकॉन दिखाई देगा, आपको इसे कैमरे के बटन पर ले जाकर सेट कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कैमरा बटन पर इसे सेट किया, अब इसे हम ओके कर देते हैं। अब दोस्तों क्या होगा, जैसे ही मैं अपने मोबाइल के फिंगरप्रिंट पर एक बार क्लिक करूंगा तो फोटो क्लिक हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी कि आपको फोटो लेने के लिए कैमरे बटन पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो क्लिक हो चुकी है। यहाँ पर मैं फोटो ओपन करके दिखाता हूँ आपको, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा ओपन करके दिखा देता हूँ। ये सेल्फी कैमरा मैंने ओपन किया। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, आप देख लीजिए फोटो क्लिक हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इस छोटी सी ट्रिक की मदद से दोस्तों आप मोबाइल के फिंगरप्रिंट से फोटो क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको कैमरा बटन पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार सिर्फ यहाँ पर क्लिक कीजिए, फोटो क्लिक हो जाएगी। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो सबसे पहले इस वीडियो को व्हाट्सअप फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।